मानसी और आप सभी देख रहे हैं सी लॉट न्यूज। ट्विटर पर कुछ घंटों से सुशांत केस को फेयर जस्टिस दिलाने की बात की जा रही है। हैशटैग फेयर जस्टिस फॉर सुशांत ये कुछ घंटों से वायरल में है। शायद ही आप में से कोई इक्का दुक्का ऐसा होगा जिसको सुशांत केस के बारे में ना पता हो। उसमें आपको ये भी याद होगा किस तरीके से रिया चक्रवर्ती को एज अ क्रिमिनल एज अ विलन दिखाया गया था बिफोर एनी लीगल स्टेटमेंट। कुछ लोगों का ये मानना था कि ये मीडिया सुशांत केस को इसलिए इतना कवर कर रही है ताकि वो कोविड के बढ़ते केसेस को छिपा सके, और कुछ का ये मानना था कि लॉकडाउन के टाइम पे मीडिया के पास ऐसा कुछ न्यूज नहीं बची है तो उनको ये टीआरपी के लिए एक बूस्ट मिल गया था अपने चैनल के लिए, इसलिए इसको इतना कवर किया जा रहा था। इसके बाद से ही इस केस को ड्रग का केस बता दिया गया। उसके बाद कई बॉलीवुड स्टार्स को ड्रग के केस में बुलाया भी गया, उनसे पूछताछ की गई और कई बॉलीवुड स्टार तो जेल भी गए। जैसे अभी हम रीसेंट का एग्जांपल ले ले आर्यन खान। लेकिन क्या इस पूरे केस को हम ड्रग का केस कह सकते हैं या ये सिर्फ एक सुसाइड है या ये सिर्फ एक मर्डर है, ये अभी तक एक कॉन्ट्रोवर्शियल है। अभी तक इसके बारे में कोई नहीं जानता। इसी के चलते लोगों ने फेयर जस्टिस के बारे में बात की है। सुशांत केस को आज 19 मंथ हो चुके हैं और अब लोग फेयर जस्टिस की मांग कर रहे हैं। तो अब वो एक फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि ये एक सुसाइड केस था तो कैसे था, और अगर ये मर्डर केस था तो ये कैसे था और इसमें किसने मर्डर किया। एक फेयर इन्वेस्टिगेशन लोग यहाँ पे चाह रहे हैं।